हेलो ट्रेडर, स्वागत है सभी बैंक निफ्टी की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, देखेंगे बैंक निफ्टी ने आज कैसा मूव किया। जैसा कि आपको पता है कि बैंक निफ्टी ने निफ्टी बैंक ने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया, वहाँ से भी एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला, एक बड़ी मोमेंटम है देखने को मिली बैंक निफ्टी में, तो उसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडर्स, अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैंने निफ्टी बैंक का इंडेक्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। रीज़न ये है इंडेक्स का चार्ट ओपन करने का, क्योंकि आप देखोगे तो इंडेक्स चार्ट ने आज अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया, हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर इंडेक्स चार्ट काफ़ी दिनों से एक बेस बना रहा था, यहाँ पर लगातार हमें एक बेस देखने को मिल रहा था, यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा था बैंक निफ्टी पिछले 3 दिनों से। आप देखोगे 7 तारीख को 8 तारीख को इसने 7, 8 और 11 को भी इसने यहाँ पर आप देखोगे ब्रेक नहीं किया, एक अपसाइड हमें देखने को मिला। 2 दिन की हमारी ये बेस थी, यहाँ पर लगातार इसका सपोर्ट ले रहा था बैंक निफ्टी, जब भी इसके आसपास आ रहा था हमें बाउंस बैक ही देखने को मिल रहा था। मैंने आपको फ्राइडे की मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपको आज मंडे के लिए बताया भी था, बैंक निफ्टी फ्यूचर के अगर 38,050 के ऊपर निकलेगा तो हमें एक अपसाइड देखने को मिल जाएगा, तो उसमें भी सारे टारगेट हिट हो गए थे। अगर आपने देखा होगा, फॉलो किया होगा, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर आपको पता ही कि जब इंडेक्स का चार्ट हमें बड़े मूवमेंट देखने को मिला तो हमारा फ्यूचर में ऑब्वियसली हमारे सारे टारगेट हिट हो गए थे। अब आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक खास पैटर्न देखने को मिला, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि हमें एक बेस देखने को मिला, लगातार एक बेस देखने को मिला, इस बेस का इसने जो सपोर्ट लिया तो आज के दिन हमें सीधा एक, आप देखोगे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था यहाँ पर, ये हमारे पास एक तगड़ा रेजिस्टेंस था 38,100 के आसपास का। आज यहाँ पर क्या किया इसने, 37,800 के आसपास ओपन किया, इसने हमारे रेजिस्टेंस को शुरू के जो मूवमेंट होती है उसी में इसने ब्रेक किया, थोड़ा सा बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हुआ, एक सेटलमेंट हुई मार्केट में, उसने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। देखिए यहाँ पर जो 38,100 का एक समय रेजिस्टेंस देखने को मिला था, यहाँ पर उस रेंज ने सपोर्ट का काम किया, इसने इस चीज़ को ब्रेक नहीं किया, फिर यहीं से हमें दोबारा एक बाउंस बैक देखने को मिला जो कि इसने हाई लगाया 38,500 के आसपास का। तो यहाँ पर आप देखोगे जो प्राइस हमें पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी वही इस टाइम पर यहाँ पर इस जगह पर इसने सपोर्ट का काम किया। यहाँ पर आप देखो सीधा से एक सीधा में मूवमेंट देखने को मिला, थोड़ा सा करेक्शन हुआ मार्केट में, इसने अपने सपोर्ट के आसपास सस्टेन किया, वहाँ से फिर हमें एक तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिला। मार्केट ने फिर वही चीज़ की है, जैसा कि अगर आप देखोगे सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए, मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आई, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर मार्केट में मूवमेंट आई और सेम चीज़ में फिर देखने को मिली कि थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मैं फिर से क्लीन आप दिखा दे रहा हूँ, जैसा कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, ये हमारे पास एक बॉटम था, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड लिया, एक थोड़ा सा करेक्शन हुआ, अपसाइड हुआ, फिर छोटा सा हमें करेक्शन देखने को मिला है और यहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। अगर आप देखोगे तो यही इस प्राइस के आसपास इसका भी हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं अगर अपने इसी पैटर्न को फॉलो करता है आज के पैटर्न को, तो हमें फिर से यहाँ पर एक अपसाइड देखने को मिल सकता है जो कि इस तरीके का होगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमें जो एक पैटर्न देखने को मिलेगा उस सीधे हमें यहाँ से एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट जो है इस लेवल के आसपास सस्टेन करना चाहिए, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास सस्टेन कर जाता है यहाँ से, तो हमें फिर से एक बड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जैसा कि इसने फॉलो किया, अपसाइड, थोड़ा सा करेक्शन, फिर अपसाइड और फिर थोड़ा सा करेक्शन, और फिर यहाँ से हमें एक तगड़ा बाउंस बैक फिर से देखने को मिल सकता है। वैसे मार्केट काफ़ी अपसाइड चल रहा है, निफ्टी ने 18,000 के लेवल के ऊपर एक तगड़ा ब्रेकआउट दिया, एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिली, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करें तो मार्केट में यहाँ से एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि आप कल के दिन कौन से लेवल पर आप ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से लेवल पर आपको एंट्री देखने को मिल सकती है। अगर आप फ्यूचर के चार्ट में भी देखोगे तो सपोर्ट हमें सेम देखने को मिला, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये मार्केट यहाँ से अपसाइड में गया, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, फिर अपसाइड और फिर छोटा सा करेक्शन, और जो करेक्शन है ये इसने ठीक अपने इसी लेवल के आसपास दिया हुआ है जो कि आप देखोगे ये लेवल एक तगड़ा सपोर्ट लेगा इस प्राइस के आसपास। अगर यहाँ से अपने इसी पैटर्न को फॉलो करेगा तो फिर मार्केट हमें यहाँ से एक अपसाइड दिखा सकता है। तो बात करते हैं कि आपको कल के दिन आपको कौन से लेवल्स पर एंट्री करनी है। तो देखोगे आप जैसा क्या जाएगा, आप देखोगे आज के दिन तो बैंक निफ्टी ने 38,360 के आसपास क्लोज किया हुआ है,
यहाँ से अगर अपने आप को ये सस्टेन करता है और कल के दिन अगर ये 38,450 के ऊपर निकलता है, आपको ध्यान रखना है कि अगर 38,450 के ऊपर निकलता है, 450 की जगह आप 420-430 के ऊपर भी निकलेगा तो आपको जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो होगा 38,600 का। कहीं ना कहीं ये अपने इस लेवल को फिर से रिटेस्ट जरूर करेगा जो कि हमारा है। यहाँ पर आप देखोगे आज का इसका डे हाई है 38,570 का। इस लेवल के आसपास हमें इसमें जरूर फिर से एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 38,430 के ऊपर निकलता है तो आपको जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो होगा 38,570 का। 38,570 का आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर उसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो फिर सारे टारगेट ओपन है। बैंक निफ्टी कोई भी अपना लाइफ टाइम हाई लगा सकता है, जो कि हमारा ऑब्वियसली अगर एक नॉर्मल पॉइंट रखें तो 38,700 तो काफ़ी ईजी इसके लिए हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बैंक निफ्टी जब यहाँ से अपने इस सपोर्ट से एक बाउंस बैक कर रहा है तो इसको देखिए, एक हमें अगर कैंडल देखने को मिलती है यहाँ पर, एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं इस रेंज के आसपास मार्केट थोड़ी देर सस्टेन जरूर करेगा। अगर इस रेंज के आसपास हमें दो तीन छोटी छोटी कैंडल देखने को मिलती हैं, उसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, उसके ऊपर अगर निकलेगा तो फिर आपको 38,700 से 38,800 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी कल के दिन हो सकता है यहाँ से डाउन हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? तो अगर उस कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ पर बैंक ने एक सपोर्ट लिया हुआ है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है इस प्राइस पर। अगर बैंक निफ्टी कहीं 38,300 के या इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता है, करता है, आप देखोगे अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आपको एक डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर डाउनफॉल देखने को मिलता है तो फिर कौन से लेवल पर आप एंट्री करेंगे। तो देखिए, अगर नीचे की ओर निकलता है बैंक निफ्टी तो उसको हम सेल तभी करेंगे जब ये 38,250 के नीचे निकलता है। देखिए, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। अगर यहाँ से ये 38,250 के नीचे आएगा तो हमें एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो हो सकता है 38,100 के आसपास का। यहाँ पर 38,100 के आसपास का आपको लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ये 38,250 के नीचे निकलता है तो आपको 150 पॉइंट का यहाँ पर आपको एक छोटा सा टारगेट देखने को मिल सकता है। बहुत बड़े टारगेट की आप उम्मीद मत रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए ऑलरेडी जो करेक्शन करना था 0.5% का, वो करेक्शन यहाँ पर बैंक निफ्टी ऑलरेडी कर चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें जो एक पैटर्न देखने को मिला, अपसाइड करेक्शन, वो करेक्शन में देखने को मिल चुका है यहाँ पर ऑलरेडी। तो बैंक निफ्टी से बहुत बड़े डाउनफॉल की उम्मीद आप मत रखिएगा। यहाँ से अगर अपसाइड निकलता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बात करें अगर ऑप्शन बायर की, तो यहाँ पर आप 38,400 की कॉल में आप एंट्री करके जब बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में निकलेगा यहाँ पर, अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो आप 38,400 की पुट कॉल में एंट्री करके आप एक बेहतरीन प्रॉफिट ले सकते हैं। बात करें अगर सेल के लिए, तो सेल साइड में मैं किसी ऑप्शन ट्रेडर को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर ऑप्शन बायर है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक सेल साइड की पोजीशन में आप बैठें और आप उसमें आप प्रॉफिट के लिए उम्मीद रखें, क्योंकि मार्केट काफ़ी अपसाइड में है। उस कंडीशन में आपको पुट में वो बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी नहीं। हो सकता है मार्केट यहाँ से फ्यूचर थोड़ा सा डाउनफॉल भी दिखा दे, लेकिन आपको पुट में मूवमेंट ही देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप ऑप्शन आप कॉल में ही एंट्री करके एक अच्छा प्रॉफिट के लिए आप जरूर जाएं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देखेंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।